नमस्कार, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं जन संसद न्यूज। मैं आपको बता दूं कि एनडीएमसी के चेयरमैन केशव चंद्रा ने जिस प्रकार से अपनी पूरी टीम यानी वाइस प्रेसिडेंट कुलदीप चहल के साथ, जहां तमाम सभी मेंबरान मौजूद थे, समस्त लोगों के साथ जहां 2025 और 2026 का एक आम बजट पेश किए, वहीं पर टीएमआर और करुणामूलक कर्मचारी गेट नंबर 2 पे खड़ा होकर ये प्रार्थना कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आज हो सकता है कि माननीय चेयरमैन महोदय हमारे बारे में भी कुछ कह सकते हैं। आस लगा करके जिस तरीके से ये बैठे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारियों की बात को लेके वहाँ पे चर्चा हुई कि आने वाले कुछ दिनों में एनडीएमसी के लंबित मांगों और उनके कर्मचारियों की सहायता हेतु भी प्राविधान हो सकता है। विकसित भारत के विकसित एनडीएमसी का बजट माननीय विश्व के लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, उसको लेकर हमने बजट पेश किया है। ये बजट जहां बिजली पानी सड़क की बात करता है, तो वहां अपने कर्मचारियों के आवास को ठीक करते हुए उनको फुल फैसिलिटीज के साथ डेवलप करने की बात करता है। ये बजट जहां सोलर हर सूर्य घर योजना की बात करता है, तो सभी सोलर के जो पैनल्स हों वो हर एक घर के टॉप पे हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हों चाहे प्राइवेट कमर्शियल बिल्डिंग हो, उसके लिए एक डिटेल प्लानिंग है हमारे पास। 24/7 वाटर सप्लाई की जो कमिटमेंट है, जो माने प्रधानमंत्री जी की, चाहे जल जीवन मिशन योजना हो चाहे घर जल योजना हो, उसकी जो कमिटमेंट है, जब अंडमान के आखिरी व्यक्ति तक घर तक पानी पहुंचा सकने का संकल्प माने प्रधानमंत्री जी का है, तो उसी संकल्प के साथ हमने भी 24/7 पानी के लिए डिटेल योजना बनाई है। इस बजट में आने वाले दिनों में ये शहर, एक शहर देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल राजधानी, तो इस शहर में किस तरह से इसके डेवलपमेंट प्लान तरीके से और अच्छा हो, चाहे रोड हो चाहे स्ट्रीट फर्निशिंग हो चाहे मॉन्यूमेंट्स हो, उन सब के लिए भी डिटेल प्लानिंग है। और आर्ट और कल्चर को लेकर एक अलग डिपार्टमेंट बनाने की तैयारी है, एक अलग आर्किटेक्चर बोर्ड बनाने की तैयारी है। आने वाले दिनों में सेंट्रल विस्टा दिल्ली में जिस तरह से डेवलप हो रहा है, नई संसद हमारे सामने एक बड़ा अच्छा है, उन सब के साथ एनडीएमसी किस तरह से उन सर्विसेज को, चाहे पानी के रिक्वायरमेंट हो, बिजली के रिक्वायरमेंट हो, सिविल सर्विसेज के रिक्वायरमेंट हो, सीवेज की रिक्वायरमेंट हो, उसको लेकर हमने तैयारी करी है। और जब हम विकास की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो 45 स्कूल हैं, उन सब में इंडिविजुअल बच्चे की हाईटेक डेवलपमेंट के साथ साथ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो, हमारी हाईटेक क्लासेस, फर्नीचर, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, उन सब के लिए डिटेल रिपोर्ट, डिटेल सिस्टम को लेके चले हैं। सबसे बड़ी बात है, कितने विकास करने पर भी हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। जब बाकी चीजें, बाकी सरकारें जो दिल्ली की हैं, वो टैक्स लगाकर चीजों को कर भी पूरा नहीं कर पाती, तो माने प्रधानमंत्री जी के विजन को लेकर हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और पूछना चाहता हूं मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से, कि उनकी विधानसभा नई दिल्ली है कि जनता के लिए हम इतने बजट में इतने प्रावधान लेकर आ रहे हैं, विकास की योजना लेकर आ रहे हैं, वुमेन्स की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ब्लैक होल्स हो, ब्लैक स्पॉट्स हो, उनको दूर करने की बात कर रहे हैं, वुमेन टॉयलेट्स की बात कर रहे हैं, हमारे जो सफाई कर्मी सहायक है, हमारे जो वाल्मीकि सदन में जाके उनकी बात कर रहे हैं, धोबी घाट को हम बड़ा करने की बात कर रहे हैं, मार्केट की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पर अरविंद केजरीवाल उस बजट में प्रेजेंट नहीं थे।